हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दा सोनू सलोन। मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये मेरा फर्स्ट सलोन व्लॉग है। मैं आप सभी लोगों के लिए इस व्लॉग में लेकर आया हूँ सैलून कैसे बनाया जाता है, सैलून को मेंटेन किस तरीके से किया जाता है। एक छोटे सैलून में एकदम से पार्लर वाला मज़ा क्लाइंट को आना चाहिए। देखिए, हमारे पास कई बार बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम छोटे से इन्वेस्टमेंट में, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा सा सैलून बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई यार, हमें यार कहीं जाके बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, हम दूसरों को देख के यार बड़ा सैलून बनाए। भाई देखो, बड़े ज़्यादा सैलून होंगे तो उनका ज़्यादा बड़ा खर्चा होगा, तो ज़्यादा खर्चे बचते हुए हमें एक छोटे सेटअप को बनाना है और उसको कैसे अच्छे से मेंटेन करना है। ये सारी ही इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस व्लॉग को, सोनू सलोन व्लॉग को, मैं स्टार्ट कर देता हूँ आप सभी के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। मैं हिम्मत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप भी हिम्मत कीजिए मेरे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं आपके सामने रखता हूँ चेयर का, क्योंकि देखो चेयर का बहुत बड़ा मुद्दा है। चेयर के लिए राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, जितने भी हैं लोग, सबके सब चेयर के मुद्दे पे लड़ते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए भी चेयर का बड़ा मुद्दा है भाई। तो चेयर को समझें, हमारी रोजी रोटी सब कुछ यही है, हमारी सीजर, हमारी कैंची, हमारा कंघा, ये सब चीज़ें हमारे दिनचर्या की चीज़ें हैं, इनको हम डेली यूज़ करते हैं। हम एक कहावत है हमारी लाइन में, रात को बिस्तरा और सुबह को उस्तरा। तो भाई देखो, सही बात है, रात को अगर बिस्तरा है तो सुबह उठ के हमें उस्तरा दिखता है, लेकिन मैंने उस्तरा चलाना बंद कर दिया है। मैंने बहुत चलाया उस्तरा, लेकिन अभी मैंने चलाना बंद कर दिया है, क्योंकि शेविंग का काम मैं अभी करता नहीं हूँ। मैं अभी गर्ल्स काम ज़्यादा करता हूँ, बॉयज़ का मेरे सिलेक्टेड कुछ क्लाइंट हैं, वो मेरे फ़ैन हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ, वो मेरे पास आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास मेरा एक चेयर ये है, और ये चेयर आप देख रहे होंगे, ये मेरे ज़्यादा पुराना चेयर तो नहीं है मेरा। ये अभी मेरे ख्याल से मुझे लगभग ये 7 मंथ के आसपास मुझे दिए हुआ है। और मेरे सैलून का जो इंटीरियर है, इसको मैंने किए हुए, इसको मुझे अभी 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो भाई मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर सैलून आप स्टार्ट करते हैं तो ये चेयर बहुत महंगा, कॉस्टली नहीं है। ये आपका जो चेयर है, ये आपको शायद आपके शहर की सिटी के हिसाब से, मुझे नहीं पता किस रेंज में होगा, किस रेट में होगा। मुझे जो चेयर पड़ा है 7,500 का मुझे ये चेयर पड़ा है, और ये तीनों चेयर मैंने नया लगवाया। पहले मेरे पास ओल्ड चेयर था, वो थोड़ा सा अलग था। ये तीनों चेयर रोटेशन भी कर लेते हैं सही से, और ये पीछे बैंड भी जाता है, ये पूरा पीछे फ्लैट भी जाता है। तो इन चेयर का फ़ायदा हमें ये होता है, हम इसमें हेयर कट भी अच्छे से कर सकते हैं, और ये हमारा निकालने का भी इसमें रहता है। ये देखिएगा आप, ये बिल्कुल अलग से जाता है। इसमें आप कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट, केराटीन वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप प्रॉपर अच्छे से कर सकते हैं। और देखिएगा, ये इसको आप एडजस्टेबल भी होता है, ये निकल जाता है और लग भी जाता है। इसको फिर से आप इसको लगा भी सकते हैं बैक सपोर्ट के लिए, और कोई केमिकल आप वर्क कर रहे हैं तो आप इसको आपको निकालना पड़ेगा, बड़ा इजी रहेगा। और प्रॉपर जैसे कि आपका स्ट्रेट हेयर्स होता है ना, आप उनको बिल्कुल नीचे इस पर प्रॉपर तरीके से कर भी सकते हैं, स्ट्रेट बालों को इस पर डालकर आप प्रॉपर कट कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 चेयर है मेरे पास में। ठीक है, ये मेरे पास 3 चेयर है, और ये 3 चेयर सबसे पहले मैंने बनाया। फिर उसके साथ में आप देख पाएंगे कि ये मेरा ट्रॉली है। ठीक है, ये मेरा ट्रॉली है, ये ट्रॉली मैंने रखा हुआ है। ये इसलिए रखा है क्योंकि चीज़ें इसमें मैनेज रहती हैं। पहले टाइम पे क्या होता था कि हम सामने ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लगा देते थे, मैंने ब्रैकेट नहीं रखा, ब्रैकेट मैंने हटा दिया, सिर्फ ट्रॉली मैंने ट्रॉली रखा है। और ये मेरे राहुल भाई हैं, इनसे आप मिलिएगा। हेलो भाई। हेलो राहुल भाई। ये राहुल भाई बड़े ही अच्छे इंसान हैं, और ये हमेशा बहुत मेहनत करते हैं लाइफ में, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। हेलो, अभी शायद उनका कॉल आ गया है, तो हम थोड़ी देर में भी बात करते हैं। तो गाइस, अभी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि राहुल भाई आ गए हैं, और राहुल भाई हमारे बड़े अच्छे इंसान हैं। ये बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह देखो आप देख रहे होंगे इनका लुक एकदम से बिल्कुल डिफरेंट है। इनको कोई बोलेगा चाय वाले, नहीं बोलेगा कोई, इनका हमेशा ही गेटअप रहता है। कटिंग देखो इनका, हेयर कट देखो आप। राहुल भाई कितने में कराया हेयर कट? ये आपने ही कराया? कितने में कराया था आपने? 500 रुपये। ये देखो राहुल भाई हमारे मज़े भी लेते हैं। राहुल भाई का हेयर कट देखोगे ना, ये बड़े सैलून में इन्होंने सही बोला है, 500 रुपये का कट है। लेकिन आप मीडियम शॉप में जाओगे, हमारे यहाँ 200 का कट है, और आप और कहीं जाओगे तो वहाँ लगभग आपको जो कट का रेट मिलेगा 50 रुपये से 100 रुपये भी होता है, और छोटी दुकान पर चले जाओगे तो वहाँ लगभग आप मान के चलो 30 रुपये भी बाल कट जाते हैं।
लेकिन राहुल वाल के आप बाल देखोगे ना, ये स्लॉप कटे, ये पूरा जीरो करके यहाँ से इसको बॉक्स बनाया, ऊपर से बॉक्स बनाया। और अगले संडे राहुल भाई का हम हेयर कट करने वाले हैं, थोड़ा सा हेयर कट करेंगे उनके बालों में, थोड़ा सा हमें यहाँ कलर करना है राहुल भाई के बालों में। ये थोड़े ज़रा स्टाइलिश हैं, इनके पास जितने भी कॉम्प्लेक्स में चाय बेचते हैं ना, इनकी लड़कियाँ दीवानी है, इनको बड़ा लाइक करती हैं, वो कहते हैं कि राहुल भाई हमारा भी प्रचार कर देना थोड़ा सा। तो आज का ये व्लॉग हम एंड करते हैं राहुल भाई के साथ, नेक्स्ट वीडियो से मैं फिर आपके आपसे मिलते हैं, तब तक के दुआ सलाम नमस्कार सत श्री अकाल आदाब।